सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद की सत्ता को उखाड़ फेंकने के लिए HTS यानी हयात तहरीर अल शाम और तकफीरी विद्रोही गुट के लड़ाके तेजी से दमिश्क की तरफ कूच कर रहे हैं। लेकिन अब रूसी सेना और ईरान के लड़ाके असद की ढाल बनकर सामने खड़े हो गए हैं। हालांकि HTS के भीषण हमले राष्ट्रपति असद के इस सुरक्षा घेरे को तोड़कर दमिश्क के बेहद करीब पहुंच चुके हैं। HTS के लड़ाकों ने सीरिया के हामा शहर पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है और विद्रोहियों ने हामा से सीरिया की सेना को बाहर खदेड़ दिया है और अब HTS का अगला टारगेट सीरिया का होम्स शहर है। BBC के मुताबिक होम्स एक रणनीतिक शहर है जो राजधानी दमिश्क को भूमध्य सागर के तट पर बने अलावी से कनेक्ट करता है और ये इलाका सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद का गढ़ है और सीरिया में उनकी सत्ता बनाए रखने में इस इलाके की अहम भूमिका रही है और यही वजह है कि अब हमास से सीरियन आर्मी का भागना असद के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। लेकिन रणनीतिक लिहाज से दमिश्क पर फतह का रास्ता हामा से खुल चुका है। अलेप्पो से हामा की दूरी करीब 120 किलोमीटर है तो वहीं हामा से दमिश्क की दूरी 200 किलोमीटर है और सीरिया के लताकिया से हामा शहर बिल्कुल ही सटा हुआ है जहां पर रूसी सेना का एक सैन्य अड्डा मौजूद है। HTS के लिए दमिश्क पर हमला करने में हामा सबसे अहम है। वहीं हामा से होम्स शहर की दूरी महज 44 किलोमीटर की है। दरअसल हामा में जब विद्रोही घुसे तो वहां की आम जनता ने उनका स्वागत किया। इसकी सबसे बड़ी वजह 40 साल पहले यहां पर असद के पिता द्वारा कराया गया नरसंहार है जिसकी वजह से हामा पिछले 4 दशकों से विद्रोह की आग में धधक रहा है। तत्कालीन राष्ट्रपति हाफिज असद ने अपनी सेना के जरिए हामा शहर में कत्लेआम कराया था जिसमें 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। यह नरसंहार करीब 1 महीने तक चला था और यही वजह है कि हामा शहर शुरुआत से ही विद्रोह का गढ़ बना रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हामा सीरिया का चौथा सबसे बड़ा शहर है और 1982 के दशक में राष्ट्रपति हाफिज के भाई रिफात ने सीरियन आर्मी की गोला बारूद यूनिट को इस शहर पर बमबारी करने की इजाजत दी थी जिसमें हजारों लोग मारे गए थे और यहीं से रिफात का नाम हामा का कसाई पड़ गया था और इसी वजह से हामा शहर में विद्रोह की आग पिछले 40 सालों से भड़की हुई है। इन सब के बीच आपको ये भी बता दें कि हामा सीरिया के 2 बड़े शहर मोहरादा और सलामिया पर कंट्रोल रखने में काफ़ी अहम है। मोहरादा में धार्मिक अल्पसंख्यक ईसाई और सलामिया में इस्माइली मुसलमान रहते हैं और हामा के बाद अब होम्स पर HTS के लड़ाके कब्जा कर सकते हैं। दरअसल होम्स में सीरिया की 2 सरकारी तेल रिफाइनरी कंपनियां हैं। इसके अलावा होम शहर से ही दमिश्क का रास्ता भी खुलता है और होम शहर ही दमिश्क को समुद्री तट से जोड़ता है जहां पर राष्ट्रपति असद का मूल गांव है और होम्स पर कब्जा होने के बाद असद की सरकार का बचना लगभग नामुमकिन है।